हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम इन वे ऑन डिजाइन। तो इस वीडियो में जो अभी आपने देखा कि ये वाली डिजाइन जो सीएनसी हॉर्स वाली, वो कैसे बनाएंगे, तो कुछ नहीं, सबसे पहले आपके पास में होना चाहिए एक कोई भी जो ऑब्जेक्ट जिसकी आपको सीएनसी बनानी है, और व्यू। मैं टॉप व्यू ले लेता हूँ। तो पहले आप इसको कोई भी एक डायरेक्शन ओके कर लीजिए, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ से कैमरा पैरेलल प्रोजेक्शन, ठीक है, ओके। ये हो जाने के बाद में अभी इसको यहाँ से सामने की साइड रखेंगे अपने, और यहाँ से एक रेक्टेंगल टूल यूज करेंगे, ठीक है। अब बस अब आपको ये है कि ये जो आपका रेक्टेंगल टूल है वो ये शेप के अंदर आ जाना चाहिए, नहीं तो पैरेलल प्रोजेक्शन से देखेंगे आप, हाँ ये इसके अंदर पूरा जो बॉक्स है वो इतना होना चाहिए, उसके साइज इतनी बड़ी होनी चाहिए कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो उसके अंदर आ सके, ठीक है। इसको यहाँ से मैं मेक ग्रुप कर लेता हूँ, और भी आपको यहाँ पे स्पेस, आपको यदि ज़्यादा एकदम डिटेल में दिखाना है तो आपकी स्पेस कम रखिए, आप एक सीट से सेकंड सीट तक, और नहीं तो ज़्यादा रखिए। तो यहाँ पे हम 0.5 रखेंगे, ठीक है, 0.5 ज़्यादा हो गई, मान के चलिए 0.25 रख लेते हैं, ठीक है, ओके। मल्टीप्लाई 10 कर लेना आपको, और आपको लग रहा है कि आगे और सीट आएगी तो इनटू 15 करेंगे, मल्टीप्लाई 16, ओके, 16 से आगे है नहीं, 15 इनफ है। अब पीछे की साइड कितना लिया था, 0.25, एंटर। अब पीछे की साइड अपने को कितनी चाहिए, मल्टीप्लाई एट, ओके 15। फिर अभी आपको यहाँ पे क्या करना है, ये आपका है ऑब्जेक्ट को डिसेलेक्ट कर लेना है, और बाकी को करेंगे एक्सप्लोर। भी एक्सप्लोर हो जाए तो राइट क्लिक करके इंटरसेक्ट फेसेज विथ मॉडल के ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है। अभी आपका मॉडल यहाँ से हो गया, अभी आप इसको यहाँ से हाइड कर लीजिए। अभी जो आपके पास में ये है, आपके पास दो ऑप्शन है, क्या तो ऐसे इरेज कर दिया आपने, ओके, ठीक है। तो अभी आप इसमें देख रहे होंगे किसी किसी के अंदर आपका जो सरफेस क्रिएट हुआ है, किसी किसी में नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है, उसका रीजन आपको पता ही है कि लाइन जॉइंट नहीं है, लाइन जॉइंट नहीं है इसलिए। ठीक है, जैसे कि आपका ये ऑब्जेक्ट है तो अभी आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर ये लाइनिंग इस टाइप से, जिसके ऊपर हुआ है उसको हाइड कर लेते हैं एक बार के लिए, ऐसे मान के चलता हूँ मैं, और जिसके ऊपर नहीं हुआ है उसको,
ओके okay, तो सबकी हमने फेस है ओके okay, इस प्रकार की डिलीट कर दी है तो साइड से सामने से देखने से ऐसा दिखेगा और साइड से कुछ ऐसा दिख रहा है ठीक है ठीक है। अभी आपके पास ऑप्शन होता है कि आप इसको पुश करेंगे ठीक है क्योंकि इसकी थिकनेस बनाने के लिए मैं मानता हूँ कि 6 mm बहुत ज़्यादा हो गई 3 mm तो 3 mm सब पे ओके तो ये हमारा हो गया रेडी। रेडी होने के बाद में इसको आप ग्रुप बना सकते हैं मेक ग्रुप। अब इसके ऊपर वुडन मटेरियल अप्लाई करना पड़ेगा ठीक है तो मटेरियल अप्लाई करेंगे तो वैसे एडिटर
अप्लाई टू सेलेक्शन। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अप्लाई हो गया है। ठीक है, तो इसका निकाल देंगे अपने रेंडर। यहाँ से मैं कलर कर लेता हूँ सेलेक्ट। लाइट सनलाइट ओके तो ये हो गया रेडी। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।